सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय केविन। दोस्तों आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कैंपिंग करने, वो भी शाम के 5 बजे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज की वीडियो में बहुत कुछ होने अरे वाला भाई है, हमारी जैसा नहीं कि आपको जाएगी स्क्रीन आवाज़। में देख रहे हो। तो अभी हम मोहनी से जाएंगे समथिंग 30 किलोमीटर दूर, या 15-20 किलोमीटर होगा, चल तो मैंने ठीक है, देखा तो नहीं। तो अब हम वहाँ देखते हैं रात भर कितना रहे उजाला थे हो रही है, और अभी सुबह तक की कितना मॉर्निंग नहीं भी वही आई। हुई थी। तो रात में हमने बहुत कुछ किया, यानी कि हमको लेपर्ड देखने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो हमने आज तक नहीं देखी थी या सामने से अनुभव नहीं किया था। तो हमें इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो वीडियो बने रहना और हमने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, पूरा रात का एक्सप्लेन करेंगे हम। तो वीडियो में लाख आखिरी तक बने रहना। तो उससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ सर मच्छी हैं दोस्तों। अभी मैं दुकान में से ले रहा हूँ फिश, यानी कि सबसे पहले फिश की ज़रूरत सही। है, जो कि रात को हम राइस के साथ खाएंगे, यानी कि चावल के साथ। तो अभी ये देख सकते हो मोहानी से हम निकल गए हैं, अभी शाम के 5 बज ही गए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और जो है अभी हम आधे रास्ते पहुँचे हैं, यानी कि पानी का फिक्स बारिश कर होगी रहे थे, तो और क्योंकि ज़्यादा पानी मज़ा तो आएगा हम बोतल वो हैं। जार रात में ला नहीं सकते। तो 5 लीटर का जो है जर्किन हम लाए हैं साथ में। तो अभी हम पानी आनी भरेंगे और आगे से यहाँ से निकल लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा दूर, यानी कि थोड़ा अलग जगह कैंप लगाएंगे। तो अभी आप देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं सबसे पहला काम, यानी कि जर्किन है मेरे हाथ में जैसा कि आपने देखा। तो हम इस पर पानी भर के लाएंगे, जो कि हमको चाहिए होगा रात को, या कभी भी चाहिए होगा खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, हर चीज़ में चाहिए पानी। तो चलते दोस्तों। पानी भी आया था नसीब में, इतना छोटा पानी है, मतलब इसको अब भरने में समथिंग कुछ भी नहीं, 10 से 15 से 20 मिनट तो लग ही आधा भर गया जाएंगे। था तो, तो बट मतलब बहुत वो टाइम, ये भी नहीं आधा भरना है, जर्किन पूरा भरा ही हो ले गया जाना है, तो पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वहाँ से पानी लगा नहीं रहा हूँ मैं, मिलेगा। फुल करके ही ले और जाते पानी हैं भरते भरते अब, क्योंकि काफी अंधेरा हो गया काफ़ी यार, टाइम चले गया, अंधेरा होने वाला है भाई। अब तो इसमें शायद मैं से हमारा इसको भरने कैंप में काफी लगाने में शाम भी हो गई, देख टाइम सकते हो बहुत अंधेरा लगेगा, होने और वाला है। अब मतलब हमारा टाइम कैंप तो क्या, बनाने में मतलब टाइम अंधेरा हो लगेगा, जाएगा वहाँ जाने तक, क्योंकि हमसे तो आधा घंटा हमको तो यहाँ इसमें से ही हो भी गया। कुछ, यहाँ से आगे हाँ डाल 5 से 6 किलोमीटर आगे जाना है। तो काफी तो सारा ये सामान तो बाप मेरे हाथ में बोलने ही तक है, ही पहुँच एक भी गए हम, दस क्योंकि मैं पंद्रह पीछे से किलो वॉइस है ओवर कर रहा हूँ। इसमें, टेंट तो जो का है भी हमारे, है, मेरे हाथ में सामान है टेंट का 5 लीटर थोड़ा हो गए, बहुत, और थोड़ा बहुत बैग पाँच में है, किलो का तो सिर्फ और बैग जो में है ही है। बाइक हम देख सकते यहाँ हो से कहाँ नीचे डालने डालनी हैं। है तो पूरी आज गाड़ी, जंगलों में आग लगी है, तो जिस काफी कारण अंधेरा हो काले गया काले लग पूरा। रहे होंगे आपको थोड़े बहुत, ये काफ़ी अंधेरा हो तो गया था उससे हमारे हमारा टेंट आगे लगाने अंधेरा हो तक, गया काफी, मतलब ना मतलब अभी काफ़ी क्या जंगल में बहुत जा रहे हैं यहाँ ज़्यादा। से बाइक की पूरी, तो मतलब काफी अभी अंधेरा देखो हो गया आगे यहाँ क्या से। करते हैं। और जो हमने यहाँ पे सबसे और पहले बाइक रोकी, यहाँ फिर पे और कुछ संदीप भाई पहली बार आया था इससे पिछली बार, तो मेरा तो फर्स्ट बार है, संदीप भाई का सेकेंड बार है। तो अभी देख रहे हमने हैं हम बाइक उसे आइक अपना। रोक दी है और जो है मच्छी तो इसमें भी हो सामान चेक जाएगी, ये किया जा छोटी रहा है, वाली क्या में सामान अभी खोलना है क्या नहीं, क्या भूले हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे हम दोनों ने बाइक खड़ी कर दी है, टेंट बाद में लगाएंगे, पहले सब चीज़ देख लेते हैं। सब कुछ है नहीं है ना पिछली बार की तरह, मसाला वसाला तो ना भूल गए हम, तो ऐसा कुछ है। और जो है देख सकते हो फीस हमने रख दी है, अब आग लगाने की देरी है, आग लगाते हैं, उसके बाद हम फीस की काटने की, सफाई की, और सब ऑपरेशन जारी करेंगे। यानी कि जानती हो बनाने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे संदीप भाई अपने हाथों की कलाकारी करते हुए, और मैं टॉर्च ऊपर से लगाते हुए एकदम। तो अभी देखिए आगे, काफ़ी मज़ा आता है हमको। दोस्तों अब लकड़ियों के लिए, सॉरी आग के लिए लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो अब अंधेरे में इधर से उधर जाने में जानते हो कैसा डर लगता है, तो देखते हैं आगे। दोस्तों हमारा टेंट लगने को तैयार हो चुका है और नीचे पे हमने पिराल बिछा रखे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो सोते टाइम, कंफर्टेबल रहे एकदम। तो अभी आगे देख, अब इसके ऊपर से बिछाएंगे हम अपना स्लीपिंग बैग जिसमें कि हम सोएंगे। तो अभी आगे देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखा है। दोस्तों अगर हमारा ये कैंप रात को, मतलब अभी शाम को काफ़ी अंधेरे में लगा, तो उतना खास नहीं दिख रहा है, सुबह के टाइम पे बहुत तगड़ा दिखता है। यानी कि अभी अब मॉर्निंग होगी, तो उसके लिए मॉर्निंग का वेट करना पड़ेगा। और व्यू तो काफ़ी तगड़ा था यार इधर का ना, चारों तरफ का, बट हम यहाँ लेट पहुँचे। ये हमने लकड़ियों की व्यवस्था कर रखी है आग जलाने के लिए। जो बॉर्डर में वो तो वो लोग ना 6 महीने के लिए रहते हैं वहाँ पे। अच्छा ये वाला टेंट था, ठोकने ना ऐसे टेंट नहीं होते भाई, 10,000 रुपये हर किसी के पास थोड़ी आ रहे हैं। ठोकने के लिए चाहिए हमारे पास ना अभी कोई हथौड़ी नहीं है, तो हम है पहाड़ी, वी आर इंडियंस, तो हम जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं कहीं से भी ना। तो ये कील से इसको ठोक रहे हैं ताकि। दोस्तों हमारा कैंप रेडी हो चुका है, अब एक बार लकड़ी ढूंढने चलते हैं। तो हम लकड़ी देखिए ये ढूंढ रहे हैं लकड़ी अभी, बहुत बड़ी लकड़ी तो है, लकड़ी आग जलाने के लिए, तो क्योंकि जो है काफ़ी सारी लकड़ियाँ एक ही बार में ढूंढ लेते हैं, फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार जाने की। तो नीचे तक गए हम लकड़ी ढूंढने के लिए, जानते हो जंगल में एक जगह से खाली 4 कदम रखने में भी कितनी डर लगती है, क्योंकि 4 कदम आगे का भी कुछ नहीं दिखता है, क्या पता आगे पे क्या हो। और आज जंगल जले हुए थे, यानी कि चारों तरफ आग लगी हुई थी, तो मेरे ख्याल से जंगल में जंगली जानवर भी कमी होंगे, देख सकते हो नीचे भी काला हो रखा है। तो इतनी सारी लकड़ियाँ हमने ढूंढ ली हैं, अब जो है आग लगाते हैं। अब हमें 3 पत्थरों की ज़रूरत होगी, क्योंकि तीनों पत्थर चाहिए होंगे, तीनों पत्थरों के ऊपर तो हम बर्तन रखेंगे ना भाई। तो उसके पहले सबसे उसके लिए सबसे पहले पत्थर, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी कलाकारी करते हैं अरुण भाई अपनी। और उसके ऊपर सबसे पहले हम फिश बनाएंगे, फिश उसके बाद बनाएंगे राइस। तो आगे की विधि आपको बताते रहते हैं। जाना पड़ेगा मुझे, अब ऐसा करना बना सकते हैं, कुछ नहीं है।
मैं बोला था अगर दो बनेंगे ना तो चावल का टाइम अगर उतना होगा वो या चावल पहले बना देते हैं और रख देते हैं फिर चावल पहले बनाए या मच्छी थोड़ा बहुत पकौड़ी बनाते हैं ऐसे ही खाते हैं थोड़े बैठ के तब तक चावल रख देंगे क्यों क्योंकि फीस तो हमें पहले सारी वो करनी है ना अब जलाना है आग पानी आनी सब लेके आओ आर्मी वाले भी तो ऐसे रहते हैं आर्मी वाले तो और भयंकर जगह रहते हैं भाई इससे भी भयंकर हाई एल्टीट्यूड में जहाँ ग्लेशियर है सीधे चाइना वाला आगे अच्छा कहीं से भी गोली आ सकती है मेरे भाई वहाँ दोस्तों अगर आप जैसे मतलब कहीं जंगलों में जाते हो पिराल आपको जंगलों में ही मिल जाएंगे देखो ये भाई डाल ले पिराल तो अभी ये क्या कम कर पाया वो जो साइड वाले पिराल हैं सब हटा दे अच्छा तो अभी आग लगी तो थोड़ा बहुत चलो सही लगा क्योंकि अंधेरे में अजीब सा लग रहा था क्योंकि हर समय लाइट जलानी पड़ रही है तो आग बगल में हो और उसके ऊपर से टेंट बगल में हो तो काफी ज्यादा मजा आता है जब तक आग न चले बहुत ऊपर की है लेकिन सही है वो इसलिए क्योंकि आग से बचने के लिए और देख सकते हो हमने बाइक भी बहुत दूर दूर खड़ी कर रखी है दोनों बाइकें ताकि जो है वो ठीक रहे और पिराल हमारी जो है मदद करती है आग जलाने में काफी अच्छी तरीके से लकड़ियां भी हम बहुत सारी ला के रख दी है हमने ताकि जो हमको दोबारा से उठ के जाना ना पड़ेगा ये बड़ी बड़ी लकड़ियां भी रख रखी है दोस्तों लोकेशन को असली मज़ा देखने का तो सुबह आएगा क्योंकि सुबह काफ़ी तगड़ा व्यू आने वाला है और ये देख सकते हो हमारी जो कटिंग की जा रही है फिश की अभी क्योंकि जानते हो सफाई भी ज़रूरी है फिश की कटिंग भी करनी है लेकिन खाने में थोड़ा बहुत कांटे लगते हैं ना गले में यार प्रॉब्लम इसमें आती है तो ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी आग लग चुकी है मतलब जल चुकी है और यहाँ पर बातें कर रहे हैं और चावल किसमें बनाओगे अरे मैं बोल रहा हूँ यार सूप के लिए भी कम हो जाएगा और उसमें नहीं होगा ना सूप इसमें बहुत बनेगा फुल बना देंगे इसे कितना सूप मछली आज आधा तो हम वैसे ही खा लेंगे ना चलो सूखा ही पहले वही करो फ्राई करके फट रहा है देसी मछली तो नहीं है खट्टा ही लगाएगी इसमें हमने खट्टा लगाना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा दोस्तों रात को तो लग रहा था कि बारिश हो जाएगी बट बारिश नहीं हुई तो हमारा व्लॉग यूं ही चलता रहा और रात के एक दो बजे हम सोए थे काफ़ी लेट सोए तो जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेपर्ड आया था रात को तो उसका सीन तो अभी थोड़ी देर बाद हुआ था तो फिर भी हमको उतनी डर तो नहीं लगी बट उसके बाद तो हमारी भूत की डर चली गई थी उसके बाद हमको मेन चीज़ तो उसकी लगी लेपर्ड की कि कहीं वो हमला ना कर दे लेकिन अबे आग तो गिलास भूल गया है सुनो आग कैसे जलाओगे आग तो जली नहीं है इसमें अब लकड़ी जलाना जलाना फिर वही तेरे को जलाने हैं हमसे पूछ रही है यार वो तो आग कैसे जलाने का तो चलो लाइट बुझा दे लाइट दिल्ली टेंशन भी ले रहा तू इधर को दिखाओ फिर आग कैसे जलाने का अब यार वीडियो में दिखाना पड़ता है ना भाई सब कुछ लाइट तो मैं दिखा रहा हूँ तेरे को तू खाली आग लाइट लगा उसमें वो देख ऊपर से गाड़ी आ रही है यार छोड़ो आग मत लगाना फिर तो अपना काम कर यार अब जलेगी आग थोड़ा इसमें पिराल डालना पड़ेगा डालना भी भाई बाहर डालना भी क्या देख रहे हैं कोई और डालेगा सोच रहे तो अब बनने की तैयारी हो रही है हमारी राइस तो क्योंकि अब तो हमने थोड़ा बहुत फीस खाई ली है तो अब राइस बनाएंगे तो राइस हम खाएंगे सूप के साथ नहीं आता लाइट ये तभी तो कह रहा हूं लाइट चाहिए अब लात देखने रहना पड़ेगा क्योंकि दूर से चमक जाएगी ना उसकी आंखें तो मतलब चाहे कितने दूर तक भी अंधेरा हो यहाँ लेकिन अगर आएगा ना वो पास तो यहाँ पे जैसे आंखें चमक जाएंगी जैसे लाइट चमक रही है तो उसकी आंखें चमक दूर से यहाँ भाई कैमरे में सामने नहीं आएगा वही तो बोल रहा था यार तेरे को मैं लेता हूँ यार ये शॉट शॉट लेंगे ना तुम अपने हिसाब से लेना तो भाई ने बड़ा कैमरा निकाल दिया अपना शॉट प्लेट जलने वाली वो अबे हाँ सॉरी अल्लाह भाई हमारी प्लेट जलने वाली थी बच गई इसको भी और प्लस उस वाले को भी यहाँ पे लगा सकते हैं बढ़िया से आग हो जाती है लास्ट तक हो जाएगी मतलब आग या हम इसको थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं बढ़िया दोस्तों हमारे पास आधी बोतल ही पानी है मतलब अब इसी से काम चलाना है तो सुबह तक काम चलाना है सिर्फ इतने बोतल पानी से मतलब तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है तो अब यहाँ पे आग जला ही रखी है क्योंकि दोस्तों उसके बाद हम सो गए थे और फिर इंतज़ार था सुबह की मॉर्निंग का क्योंकि जो रात को काफ़ी लेट सोए वैसे हम रात भर तो नींद आई नहीं बट ऐसे ही सोए हुए थे वैसे अगर अकेले में अगर आप करो तो नींद आ भी जाएगी वैसे हम सोए ही नहीं खुद ही
तो मतलब सोने वाली क्या बात है, तो सुबह की मॉर्निंग देख सकते हो सब सो गए थे बात करते करते, फिर इंतज़ार था सुबह की मॉर्निंग का क्योंकि हमने कैंप बहुत लेट लगाया रात के टाइम पे, तो ये रात भर आग हमारे कैंप के आगे जलने में थी क्योंकि जो है कैंप के चारों ओर जंगली जानवर ना भटके, एक तो हमने फीसिस भी खाई थी। तो ये सुबह का व्यू है चारों तरफ का, ये सुबह 6 बजे का है, कोहरा लगा हुआ है, कोहरा नहीं है आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है कोहरा नहीं है ये है क्योंकि चारों तरफ जंगल में आग लगी थी देख सकते हो काला हो रहा होगा ये, तो जिस कारण ये धुआं उठ रहा है मतलब ना अभी भी आग लगी हुई थी दूर दूर के जंगलों पे, तो एक मतलब पूरा इसी कारण काला हो रखा है। तो शाम को अगर हम मतलब जिस टाइम उजाला था थोड़ा उस टाइम पे अगर हम दिखाते काफ़ी तगड़ा लगता, तो कुछ ये व्यू था। तो अभी आगे देखते रहिए, अब टेंशन थी पानी लाने की, पानी लाने की दिक्कत हो गई थी और हमें बर्तन भी धोने थे जो हमने शाम को खाए थे रात को खाए हुए बर्तन वो भी धोने थे। तो आगे देखिए हमने कैसे जुगाड़ किया कैसे नहीं किया, तो वीडियो अब बनी रही। जो अभी काफ़ी उजाला हो गया है, अभी तक तो अंधेरा ही आ रहा था बिल्कुल, अभी बिल्कुल ऊपर से सूर्य देव और उजाला देख सकते हो, अभी बिल्कुल सही हो रहा है और हमारा पूरा सामान हमने पैक कर दिया है, बस हो गया अब निकलने की देरी है। बाइक मैंने यहाँ पे रोक दी है और एक बाइक यहाँ पे है। अरुण भाई क्या हुआ, नाराज हो? तो चलते हैं अभी, अब देख सको कितना उजाला हो रहा है अभी, अभी तक कितना अंधेरा, ये कल रात को कोयलों की वजह से हाथ पूरे काले हो चुके क्योंकि पानी की बहुत कमी थी, तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं हो रहे थे तो ये कोयले लग रखे हाथों में, तो कुछ ये सीन होता है। इस वाले में भी लगा हुआ शायद देख सकते हो। तो ये मैंने लिया था पाताल उन्नीस से, चलो हो गया बाद में बताऊँगा, तो भाई को फ़ोटो भेजनी है मेरे को व्हाट्सएप पे। तो अब हमको यहाँ पे मैंने हाँ अपनी वाली को तो हाँ हाँ हटा रहा हूँ भाई मेरे, तो हरी वाली बाइक को हटा देते हैं अपनी वाली को क्योंकि इसकी बाइक आ रही है। यहाँ पे का व्यू देख सकते हो काफ़ी तगड़ा है यार भाई, क्या ही व्यू है मतलब ना। और हम वो नीचे कहाँ बैठे थे देख ही लिया होगा आपने, चारों तरफ का व्यू काफ़ी तगड़ा। हाँ चलो अरुण भाई हटाएंगे यहाँ पे से इसको, जो ये अरुण भाई के हाथ में ये बेसिकली हमारा जो रैपर रैपर है ना वो चीज़ है इसमें जो कि हम यहीं से बाहर फेंकेंगे, तो व्यू तो आप देख ही रहे हो। हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे, स्टार्ट कर लो यार भाई। दोस्तों ऊपर रोड पे आ गए, हमने रोड से ही नीचे बाइक डाली हुई थी देख सकते हो, काफ़ी नीचे डाली थी बाइक, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है आप अगर आ सकते हो वैसे कैंप लगाने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आया हमें इस ट्रिप पे, यानी कि इस कैंपिंग पे कैंप करने पे जो भी बोलना था यार। अब मैं अभी आजकल जो है पीछे वॉइस करता हूँ ना आई, तो मतलब दिक्कत होती है बोलने में, उस टाइम पे कभी टाइम नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ों का काफ़ी तगड़ा व्यू था और जो है पाइन के पेड़ लगे हुए, तो ये कोयला कोयला मतलब काला काला आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जो है रात भर जंगलों में आग लगी थी, चारों ओर दूर दूर तक जंगलों में आग लगी है जिस कारण जो है इतना भयानक रूप दिख रहा है और जो है तभी कोहरा टाइप का दिख रहा है आपको, कोहरा नहीं है ये, कोहरा तो भाई आपको पता ही होगा ठंडियों के टाइम पे लगता है। अब जो हमने काम करना था, जो हमने बर्तन रात को खाना खाया था वो बर्तन धोने की प्लानिंग करनी है, कहाँ पे धोया जाए क्योंकि जो हमें नौले की ज़रूरत थी, नौले बोले तो पानी के धारे की ज़रूरत थी जहाँ हम बर्तन धोएंगे, तो देखते रहिए आगे कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है हमको। और जो है दोस्तों आखिरी बार यहाँ पे रुक रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एक मुँह धो लेते हैं क्योंकि जो है मार्केट से निकलना है हमको, और अरुण भाई तो मार्केट से पहले ही निकल लेंगे यानी कि इसी रोड में, तो मुंह धो लेते हैं और क्या करें। दोस्तों ये देख सकते हो अपना पहाड़ी नौला ना, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है भाई,